हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई NRA CET के बारे में। बहुत ही ज़्यादा ये हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल यूट्यूब पर। ज़्यादातर टीचर्स सब क्या है इस पर भी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर्स आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल बहुत ट्रेंड में आ चुका है कि भाई NRA CET है क्या, आखिर क्या बला है ये CET, कब होने वाला है इसका एग्ज़ाम, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मतलब कौन कौन से आयोग हैं जिनका एग्ज़ाम ये कराएगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं, क्या नुकसान रहने वाले हैं, कब होगा ये एग्ज़ाम, सिलेबस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो भाई बात कर लेते हैं कि NRA CET क्या है। ये आपने पहले भी सुन रखा है, जब हमारा आया था PET, आपको पता होगा हमारा UP की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए हमारा क्या होता है, PET हमारा होता है, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। इसी तरीके से आपका अब क्या होने लगा है ये CET भी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि ऐसे ही ये किसके लिए है, आपका सेंट्रल के लिए। ठीक है, ये सेंट्रल के लिए है और ये आपका यूपी की वैकेंसीज के लिए होता है। इसी तरीके से आपका ये CET होने लगा है। NRA मतलब क्या हो गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका गठन कर दिया गया था वही 2022 में जब इनकी बात चली थी, तभी हम लोगों ने सुना था भाई CET भी हो रहा है, PET भी हो रहा है। लेकिन CET में काफ़ी अब वहाँ पर नहीं हो पाया। अभी देखिए 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई CET में कुछ नहीं हुआ। अभी फिर से हलचल हो गई है कि भाई CET होने वाला है 2024 में। PET के तो आपको एग्ज़ाम होने लगे हैं, तो वही जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपका कराएगी CET। CET में है क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका। इसमें कौन कौन से आपके आएंगे डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं भाई। SSC हो गया आपका, बैंक हो गया, ठीक है, हाँ RRB हो गया, यानी कि क्या SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, MTS, CGL, जो भी जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, बैंक के जितने एग्ज़ाम्स हैं, IBPS वगैरह और IBPS के और RRB रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी का आपका क्या होने वाला है, एक कॉमन टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक कॉमन टेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई प्री टेस्ट। जैसे कि इसमें हम लोगों का होता है ना CGL प्री होता है, CHSL प्री होता है, बैंक में भी प्री होता है, रेलवे में भी प्री होता है, तो सभी के हिसाब से एक प्री बना दिया गया है। एक ही होगा आपका कि इसको, इसके लिए क्या होगा, फिर आपको ये नहीं है कि बैंक की अगर एग्ज़ाम का फॉर्म आप डाल रहे हैं तो इसका भी प्री देना पड़ता है, SSC के लिए प्री देना पड़ता है, RRB के लिए प्री देना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको SSC का भरना है फॉर्म, ठीक है, तो SSC का प्री भी होता है भाई, बैंक का भी प्री है, तो आपका क्या होगा कि आप बैंक का भी फॉर्म उसी प्री से आप बैंक का भी सिलेक्शन पा सकते हैं, वही RRB का भी पा सकते हैं, रेलवे का भी, और उसी से SSC भी क्लियर आपका हो सकता है। यानी कि सभी का मिलाकर एक एग्ज़ाम होगा। सभी के अलग अलग होते हैं अभी प्री, लेकिन इससे क्या होगा, सबका एक एग्ज़ाम करवा दिया गया है। जैसे PET होता है ना, जैसे PET में भी UP SSC की वैकेंसीज हैं आपकी या और भी डिपार्टमेंट्स की हैं, UP की जितनी वैकेंसीज हैं, तो उनके लिए सबका एक प्री हो गया है, उसके बाद उनका मेंस होगा। इसी तरीके से सेम आपका CET है, लेकिन ये कैसा होने वाला है, आपका 3 स्टेजेस में होगा। ठीक है, कैसे होगा, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, हाँ ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएट वालों का अलग, यानी कि 3 स्टेप्स में आपका होगा। PET में ऐसा नहीं होता है। CET में आपका ये डिफरेंस क्या है कि भाई आपके 3 स्टेजेस में होगा। 10th वालों के लिए अलग होगा आपका टेस्ट, 12th वालों के लिए अलग, ग्रेजुएशन वालों के अलग। लेकिन ग्रेजुएशन वालों को क्या फ़ायदा है कि भाई वो 10th और 12th की भी भाई वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, मतलब उसका भी मेंस दे सकते हैं। लेकिन 10th वाला तो भाई 10th में ही देगा, 12th वाला 10th का भी दे सकता है। तो ऐसा कोई, इन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रेजुएशन वाला जो है वो ग्रेजुएशन का ही करेगा, भाई ग्रेजुएशन वाला 10th और 12th दोनों को ही कर सकता है। तो ये आपका एक होगा एग्ज़ाम। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात कर लें भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस की बात करें तो देखिए बैंक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो SSC में नहीं आते, SSC में कुछ ऐसे हैं जो बैंक में नहीं आते, रेलवे में तो आपकी इंग्लिश आती नहीं है और SSC और बैंक में आपकी इंग्लिश आती है। तो जो सिलेबस आपका रहने वाला है इन तीनों को मद्देनज़र रख के होगा भाई, एवरेज बना दिया जाएगा, एक औसत निकाल लिया जाएगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सिलेबस डेफिनेटली आपका चेंज होने वाला है, बहुत से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, तो एक कॉमन आपका सिलेबस बनेगा। अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या सिलेबस आपका रहेगा, वो भी बहुत जल्द ही आपका पता लग जाएगा कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, जिससे तीनों का ही सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिलेबस आपका बनेगा। ठीक है, जैसे बैंक में आपका रीजनिंग अलग लेवल की आती है और मैथ्स उतनी टफ नहीं पूछी जाती जितनी SSC में आपकी मैथ्स पूछी जाती है। RRB में तो इंग्लिश का रोल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका इंग्लिश आती है, तो उस तरीके से आपका एक बेसिक बनेगा मतलब सिलेबस की, जो तीनों के लिए
आपका अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस की बात हो गई। और अगर हम लोग इसके भाई एग्ज़ाम की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि 2024 में होगा, लेकिन देखिए अभी 2024 में बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि 2024 में इसका एग्ज़ाम हो पाए। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए 2023 के जो आपके एज इट इज़ एग्ज़ाम चल रहे हैं या जिनके नोटिफिकेशन आ गए हैं, आगे आपने देखा होगा जीडी वगैरह हैं और भी एग्ज़ाम हैं जिनके नोटिफिकेशन आ गए कि ये नवंबर में आएगा या अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, तो वो एज इट इज़ आपके चलेंगे। अगर उनका एग्ज़ाम 2024 में होना है वो आपका उसी पैटर्न पर होगा जिस पर प्रीवियस वाला होना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन 2024 इन्होंने कहा है, हो सकता है 2024 में आपका हो, लेकिन अभी चांसेस कम लग रहे हैं कि 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात कि ये कम से कम दो बार आपका वन ईयर में होगा, एक साल में दो बार एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो इस तरीके से सीईटी आपका होगा एक साल में दो बार। और मैक्सिमम जिसके मार्क्स होंगे, जैसे कि हमारा पहले पेपर में 50 नंबर आए, दूसरे में 55 आ गए, ठीक है, दूसरी बार सीईटी दिया तो 55 मार्क्स आ गए, तो आपका जो बेस्ट मार्क्स होंगे ना उसको लिया जाएगा मेंस के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई अगर हमारे पहली बार अच्छी नहीं आए, साल में दो बार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बार बार एग्ज़ाम देते रहेंगे और हमारा जो बेस्ट स्कोर होगा उसको ले लिया जाएगा। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे इसको बार बार देंगे ही, साल में दो बार हो रहा है, क्योंकि अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करने के लिए कि भाई अच्छे से मार्क्स आ जाएं, उनको मौका मिलेगा बच्चों को जल्दी अपना अच्छे से तैयारी करने के लिए। दूसरी एक और बात कि भाई प्री ही कराएगा एनआरए आपका जो है, वो सिर्फ प्री ही कराएगा, ऐसा नहीं है कि एसएससी ने कतई छोड़ दी है वैकेंसी, आईबीपीएस ने छोड़ दिया है, मेंस जो है वो एसएससी ही कराने वाला है, मेंस जो है वो आईबीपीएस ही कराएगा, आरआरबी ही कराएगा, लेकिन वो जो प्री की जिम्मेदारी से वो हट गए, प्री आपका ये कराने वाला है। ठीक है, सभी का मिलाकर एक प्री होगा, फिर मेंस के लिए चुन लिया जाएगा, भाई सीईटी जिसका क्वालिफाई है वो मेंस के लिए वैकेंसी मतलब मेंस का एग्ज़ाम दे देगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है सीईटी का, जो आपने पहले भी सुना होगा, जब पीईटी आया था तब इसका भी इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं, तो अभी कुछ ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है कि 2024 में बिल्कुल 100% होने जा रहा है। तैयारी अपनी करते रहिए, सिलेबस लगभग वही रहने वाला है, एक दो पॉइंट्स आपके बढ़ेंगे, एक दो चीज़ें बढ़ेंगी, एक दो चीज़ें घटेंगी, लेकिन जो चीज़ें आपको आती हैं उनको और अच्छा करिए। ठीक है, सभी को देखते हुए आपका सिलेबस बनेगा। दूसरी अगर हम लोग बात कर लें कि भाई इसका कैसे क्या आपका फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है सीईटी के, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ़ायदों की, क्या आपके बेनिफिट्स रहने वाले। तो बेनिफिट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इन्होंने बताया भी है कि आपके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि भाई सबका अलग अलग देने जाते हैं, यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा, आपके टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, हर चीज़ की बचत हो गई आपके। ठीक है, कि भाई एक ही बार एग्ज़ाम हो गया, सबके लिए अलग अलग देना नहीं पड़ेगा, और इससे आपका लंबा प्रोसेस भी होता है, ऐसे आपका छोटा प्रोसेस हो जाएगा कि भाई तीनों का जब फॉर्म आया तुरंत भर दिया, मेंस हो गया, ऐसे फॉर्म आया, फिर पहले प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, एक डेढ़ साल का प्रोसेस हो जाता है, ऐसे आपका प्री पहले हो जाएगा पर फॉर्म आएगा मेंस हो जाएगा, तो टाइम की बचत, पैसे की बचत, हर चीज़ की आपकी इसमें बचत हो जाएगी, तो बढ़िया आपका रहेगा। सीईटी जैसे पेट हो रहा है आपका, सेम वैसे ही आप समझ जाइए कि प्री हो गया, फिर मेंस के लिए आपका उसी में से चुन लिया जाएगा, ये नहीं कि फिर से उसका प्री हो रहा है फिर मेंस हो रहा है, इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। तो काफ़ी इसमें आराम भी मिलेगी बच्चों को भी, और एग्ज़ाम भी आपका इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपका सभी का एक हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग कराना पड़ता है, ऐसे सबके लिए एक हो जाएगा, तो आपकी जो आपके जो एजेंसीज़ हैं या आपके जो आयोग हैं उनकी जो स्पीड है एग्ज़ाम की, रिजल्ट देने की, एग्ज़ाम कराने की, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। दूसरी एक और बात है आपकी इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो है सीईटी आपका, ये आपका प्राइवेट जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत सी कंपनीज जो है प्राइवेट के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, कि प्राइवेट वाले क्या कहेंगे, भाई सीईटी है क्वालिफाई तो हम आपको ले लेंगे अपनी कंपनी में। या आपका ये किसके लिए भी होगा, स्टेट की वैकेंसीज़ के लिए भी एलिजिबल हो सकता है, स्टेट के लिए भी कर सकते हैं कि भाई हाँ अगर सीईटी है तो हम आप इस वाली में आ जाइए। तो अभी सीईटी जो है आपका सेंट्रल के लिए तो है ही, स्टेट और प्राइवेट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कि वो लोग कहें कि भाई सीईटी क्वालिफाई है तो आप प्राइवेट में आ जाओ, या स्टेट की वैकेंसीज़ के लिए भी सीईटी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा होगा, फ़ायदे भी हो गए आपके। नुकसान की अगर बात कर लें तो नुकसान सबसे ज़्यादा ये है आपका कि सिलेबस का, सिलेबस का नुकसान है भाई। यहाँ पर हम पढ़ते चले आ रहे हैं जो एक ही पैटर्न पढ़ रहे हैं, दो साल से तीन साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई हाँ इंग्लिश में ये चीज़ें हैं, रीजनिंग का ये प्रोसेस है, मैथ्स का एडवांस पढ़नी है हमें, जो उनका उतना टाइम गया है एडवांस पढ़ने में, लेकिन बैंक में उतनी एडवांस नहीं आती है। ठीक है, आरआरबी में भी उतना ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का वो आ रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें इधर हैं तो इधर नहीं है, इधर हैं तो इधर नहीं, यहाँ पर तो इंग्लिश नहीं है, तो उन वाले जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं है।
क्योंकि एग्ज़ाम में आया नहीं है उनके, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जो बच्चे एकदम उसमें वो बने हुए हैं कि भाई मुझे ये पैटर्न फॉलो करना है, मुझे ये सिलेबस पढ़ना है, उसमें वो अच्छे से कर रहे हैं, फिर उनके लिए एकदम नया सिलेबस आ जाए, बहुत सी चीज़ें नई आ जाएँ, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है कि थोड़ा सा भैया नया सिलेबस आपका आ जाएगा, चीज़ें जुड़ जाएंगी, हट भी जाएंगी, तो थोड़ा सा नयापन उन्हें देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि वो एक ही पैटर्न पे अपने कर रहे हैं, अच्छा सा उसमें कर रहे हैं, फिर उनकी चीज़ें हट जाएँ, पता लगा एडवांस चल रहे हैं, एडवांस के एक ही दो क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा, इतना टाइम उन्होंने वेस्ट भी किया अपने 2-3 साल पढ़ने में वो चीज़, और लेकिन फिर अब CET निकाल दिया है, कॉमन कर दिया गया है, एवरेज बना दिया गया है सिलेबस, तो यहाँ पर आपको इसके थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया सा है आपका CET एलिजिबल आपका आ जाता है तो ठीक है, अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे और सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे बैंक का करना है तो ऐसा नहीं भाई प्री देना है फिर वो करना है, बस प्री आपका ये कराएगा, मेंस आपके यही आपकी आयोग कराएंगे, SSC अपना मेंस कराएगा, बैंक अपना, रेलवे अपना, ठीक है। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी और कोई भी अपडेट आती है तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी अगर हम लोग बात कर लेंगे कब होने वाला है, तो जैसा कि मैंने बताया 2024 में भी उन्होंने कहा है 2024 में होने का, लेकिन अभी उतना फुल नहीं पता लग पा रहा है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी क्योंकि जो पैटर्न आपके चल रहे हैं उसी हिसाब से है, क्योंकि ये चल तो 2020 से रहा है लेकिन हो नहीं पाया अभी तक कुछ भी, जैसे PET तो हो गया, CET रह गया पीछे छूट गया है, तो अभी देखिए 2024 कंफर्म नहीं, लेकिन आप जो जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए, तैयारी मत रोकिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, कैलेंडर जैसे ही आता है फिर हम लोग को पता लग जाएगा कि कैसे क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा MTS CGL CHSL का, तीनों की लिंक हमने लगा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आपको नंबर पता ही है, शो हो रहा है स्क्रीन पर, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए वीडियोज़, थैंक यू।